इधर मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। सूची जारी होते ही दोनों ही पार्टियों में जमकर घमासान देखने को मिला। इस बीच बीजेपी काला पीपल के सैकड़ों कार्यकर्ता कार्यालय पहुंचे। बीजेपी और गेट पर धरना देकर जमकर नारेबाजी की। काला पीपल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि घनश्याम चंद्रवंशी की पैराशूट लैंडिंग की गई है, जिसे काला पीपल की जनता पसंद नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को अपनी लिस्ट घोषित की और तमाम जगहों पर अब विरोध के स्वर उठने लगे हैं। मेरे पीछे है जो आपको नारेबाजी करते हुए नजर आ रही है, काला पीपल से आए और घनश्याम चंद्रवंशी के खिलाफ ये नारेबाजी कर रहे हैं और बीजेपी प्रदेश कार्यालय के गेट पर धरने पर बैठ गए हैं और उनकी लगातार यही मांग है जो घनश्याम चंद्रवंशी जो आए हैं, जिन्हें टिकट दिया गया है, जिन्हें प्रत्याशी काला पीपल से बनाया गया है, वो प्रवासी है और वह पैराशूट से लैंडिंग कराए गए हैं, जो काला पीपल में नहीं चलेगा। और इसी को लेकर आप देख सकते हैं नारेबाजी करते हुए यह सब कार्यकर्ता जो काला पीपल से भोपाल पहुंचे हैं आपको नजर आ रहे हैं और बीजेपी प्रदेश कार्यालय के गेट पर बैठे हुए हम इन्हीं कार्यकर्ताओं से जानेंगे कि किन मांगों को लेकर आज क्या मांग को लेकर आप प्रदर्शन। हम सब लोग यहाँ पे जो पैराशूट के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी भेजा है, हम उसका विरोध करना है। हम सब लोग जितने इकट्ठे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के परिवार के लोग हैं ये। उसके बाद भी जो उम्मीदवार जो काला पीपल युवा तो उनको नजरअंदाज कराएगा, क्योंकि हम सब लोगों ने ठाना था कि कुणाल चौधरी को हालात में हराना है, पर यहाँ के लोगों ने साठ घाट करके कुणाल चौधरी से मिलके दलित प्रत्याशी कर दिया है। हम लोगों ने व्रत ले रखा था कि कुणाल चौधरी को हराएंगे, पर इस तरीके से भारी प्रत्याशी कर दिया है, हर हालत में उसे हम बाला से बाहर करेंगे। हम बंसल न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट पुरुषोत्तम मिश्रा के साथ दीपक द्विवेदी, भोपाल।